चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। पिछले महीने जो सोयाबीन तेल 145 रुपए लीटर मिला था, अब वह बाजार में 175 रुपए पर पहुंच गया है। विदेशों में खाद्य तेलों की आवक कम होने और मंडियों में सोयाबीन ना आने के कारण सोयाबीन तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए सब्जी और दाल में तड़का लगाना भी महंगा हो गया है। व्यापारियों की माने तो यूक्रेन युद्ध के कारण इसके रेट प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध के कारण हर देश में सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल समेत अन्य खाद्य तेलों के दाम तेज हुए हैं। दरअसल भारत में अब भी खाद्य तेलों की अधिकांश आपूर्ति विदेशों से ही की जाती है। ऐसे में युद्ध जितना लंबा खींचेगा, तेल के दाम उतने बढ़ने के आसार हैं। इसलिए नई पैकिंग के सोयाबीन तेल के पाउच 170 से 175 रुपये प्रति लीटर आने का अंदेशा बना हुआ है। हालांकि किराना दुकानों पर जो तेल पाउच बेचे जा रहे हैं उन पर प्रिंट या तो 155 है या 160, लेकिन फुटकर व्यापारियों का यह तेल पाउच थोक में ही 168 रुपए का पड़ रहा है, जिसके चलते यह लोगों को 175 रुपए में दिया जा रहा है। शुक्रवार को जब किराना दुकानों पर जमीनी पड़ताल की तो अधिकांश किराना दुकानों पर 155 रुपए प्रति लीटर और 160 रुपए प्रति लीटर के पाउच एक ही कंपनी के देखने को मिले, लेकिन उपभोक्ता को यह तेल 175 रुपए में बेचा गया। 8 दिन में तेल के दाम में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।